हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। नया चैप्टर है, नई यूनिट है आपके किताब के हिसाब से, आपके बुक्स के सिलेबस के हिसाब से। काइनेमेटिक्स एक नई यूनिट है। काइनेमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन डी मोशन, या तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वन डी मोशन है, या आप इसके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पाथ ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में हम विजिट करेंगे। उससे पहले अगर हम मोशन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम एक बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक ट्रेन है, ओके बच्चों, और इस पे एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है, ठीक है। ये एक दूसरे के पास बैठे हैं और यहां खड़ा है सौरभ, ये रहा, ओके। और ये ट्रेन मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी बी, किसी बी वेग से ऐसे मूव कर रही है। ये बस है, ट्रेन है, कुछ भी है, और ये यहां पे खड़ा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताएं बच्चों कि क्या इसके लिए ये मूवमेंट में है, ये चल रहा है? नहीं, ये तो रुका हुआ है। ये लड़की के लिए क्या ये लड़का चल रहा है? नहीं, ये वहीं पर बैठा हुआ है। क्या इसके लिए ये दोनों चल रहे हैं? हाँ, इसके लिए ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों मूवमेंट अवस्था में है। तो ये दैट्स कॉल्ड फ्रेम ऑफ वर्क। इसके लिए ये स्टेबल है, इसके लिए ये स्टेबल है, लेकिन इसके लिए ये दोनों मोशन में है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ वर्क। किसी के लिए कुछ चीज चल रही है तो जरूरी नहीं है कि वो चली रही हो दूसरे के लिए भी, है ना। जैसे इसके लिए ये चल नहीं रहा, इसके लिए ये नहीं चल रहा, लेकिन इसके लिए ये दोनों मूवमेंट में है, ये दोनों मोशन में है, तो दैट्स कॉल्ड फ्रेम ऑफ वर्क, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम ऑफ वर्क पे डिपेंड करती हैं और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम ऑफ वर्क पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या जब ये चल रहा है मूवमेंट में है तो इसकी इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है? हाँ, यानी कि ये डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है फ्रेम ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंड करता है तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। स्पीड, स्पीड के लिए आप समझें, बाई चांस इसकी स्पीड इस तरफ जा रही है, इसकी स्पीड इस तरफ जा रही है, तो स्पीड डिपेंड करेगी। वेलोसिटी डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज जो है बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स, फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज जो है किस चीज पे है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये सारी की सारी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, आज हम जो बात करेंगे वो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या चीज डिपेंड नहीं करती? टाइम डिपेंड नहीं करता। मान लिया ये 2 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा, ये बंदा 2 सेकंड बाद यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो इसकी घड़ी में कितना टाइम होगा? इसकी घड़ी में भी 2 ही सेकंड होंगे। इसकी घड़ी में कितना टाइम होगा? इसकी घड़ी में भी आफ्टर 2 सेकंड होगा, यानी कि 2 सेकंड बाद सभी मूवमेंट में है। टाइम तो डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर टाइम डिपेंड नहीं करता। और क्या चीज डिपेंड नहीं करती? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। अरे सर, अभी तो आप कह रहे थे डिस्टेंस डिपेंड करती है, यहां पे आपने लिखा डिस्टेंस डिपेंड करती है, यहां समझो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ये डिपेंड नहीं करती। दो बॉडीज कितने भी दूर चले जाओ, ये जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। कितने भी पास आ जाओ, ये जहां है, ये दो ऑब्जेक्ट कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी पास आ जाओ, ये दो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ये डिपेंड नहीं करेगी। किस चीज पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो एक बात तो ये हुई, सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं
इस समय फर्श पे खड़ा हुआ हूँ, फर्श घूम रहा है यानी कि क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ इज राउंडिंग ऑल द टाइम, अर्थ इज राउंडिंग देन आई एम ऑल्सो राउंडिंग, लेकिन आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ राउंड करता हुआ, क्यों? क्योंकि कैमरा भी मेरे सामने जो कैमरा है वो भी राउंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, हम दोनों एक साथ लगातार मूव कर रहे हैं, तो हम देख नहीं पा रहे एक दूसरे को कि जहां ये पहले पोजीशन में था वहां अभी भी ये पोजीशन में है, तो मैं इसके सामने कंटिन्यूअसली बना हुआ हूँ, इस वजह से मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि हम दोनों लगातार घूम रहे हैं, और आप भी इस तरह से ही हमारे साथ घूम रहे हैं, इस वजह से आप भी हमें नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के। ओके, तो एक बात ये हुई बेटा। इसके बाद अब ये आप चाहे तो देख सकते हैं एक बार कि क्या क्या चीज डिपेंड करती है, क्या क्या चीज डिपेंड नहीं करती है। दो चीज है, टाइम डिपेंड नहीं करता है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ये डिपेंड नहीं करती है, बाकी ये सारी चीज डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। आगे चलते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि भाई आप मुझे बताना चाहेंगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है? एनीवन? ओके, सोचिए, तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं। What is the difference between the distance and displacement? What is the difference between the displacement and distance? Okay, ये तो सभी जानते हैं कि सर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सभी जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बहुत हो, दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है। ओके, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस या तो हमेशा ग्रेटर देन होगी या तो हमेशा डिस्टेंस जो है बड़ी होगी और या इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। फॉर एग्जांपल यहां समझते हैं कि एक बॉडी मूव करती है 3 मीटर अलोंग इज 4 मीटर इन दिस डायरेक्शन। What is the distance? Distance कितनी होगी? Sir, 3 meter plus 4 meter. 3 plus 4 is equal to 7 meter. लेकिन what is the displacement? Displacement कितनी होगी? Displacement होगी starting point और ending point का shortest length. Shortest length क्या होगा? From A to B. A to B shortest length होगा बेटा ये वाला. A to B. ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां देख रहे हैं ट्रायंगल बन गया एक 90 डिग्री का, मैं यहां पाइथागोरस यूज कर सकता हूं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो मैं यूज कर सकता हूं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस क्या जो भी है 9 प्लस 16 रूट 25 और कितना आया 5, अगर ये मीटर्स में है तो 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर छोटा है। तो मैंने कहा था कि या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, इक्वल किस कंडीशन में हो सकता है और बता देता हूं और समझा देता हूं इसे और समझिए। एग्जाम्पल समझ में आया कि अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर ठीक है भाई हम चल गए, ये तो हो गया डिस्टेंस हमारा। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चलना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन फ्रॉम ए यहां से चला और इस तरह से घूमता हुआ बी तक पहुंचा,
डिस्टेंस कितना हुआ अगर इसकी रेडियस जो है वो आर है, अगर रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये हाफ सर्कल कवर कर रहा है, कितना सर्कल कवर कर रहा है? हाफ। अगर ये पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती बेटा? 2πr। लेकिन ये हाफ सर्कल कवर कर रहा है तो कितनी सर्कमफ्रेंस होगी? पाई आर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, अगर ये आर है तो इधर भी आर होगा, आर इतना हुआ और आर ही इतना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? आर प्लस आर, यानी कि 2r। ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। आप कैलकुलेट कर लेना, ये छोटा ही आएगा आपको आपके हिसाब से भी, ठीक है? अगर आर की है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो पाई आर, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और यहां कितना आ रहा है 2, ठीक है? तो पाई आर ग्रेटर देन होगा 2πr से। तो सेमी सर्कल में बात कर ली हमने, हम और बात कर सकते हैं बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है और यहीं पे वापस आ जाता है ए टू ए, और डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 2πr, अगर इसकी रेडियस आर है तो, सही है? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, डिस्प्लेसमेंट जहां से चले थे वहीं हैं, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा ही नहीं, जहां से चले थे वहीं पर आ गए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो क्या है? वो जीरो है, कहीं गए ही नहीं, मूवमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है? और भी समझ सकते हैं इसमें, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई 3 मीटर अलोंग दिस साइड, 2 मीटर अलोंग दिस साइड, 3 मीटर अलोंग दिस साइड, 2 मीटर अलोंग दिस साइड, ए बी सी डी, डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, 3 + 2 + 3 + 2 = 10 meter। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा ए से चले थे और वापस से ए पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट 3 + 2 - 3 - 2 = 0 इन दिस डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये माइनस में, ये अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है? तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 0, ठीक। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ सकते हैं। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह से बेटा अगर बात करते हैं स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता आपसे, एल अपॉन टी लिख सकते हैं आप। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या हुई इसकी? मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ईयर है ये, नाइन्थ क्लास के लिए डेफिनेशन वगैरह होती हैं, यहाँ कोई नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल याद रख भी सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना लंबी छोटी कहानी है नहीं बेटा। ओके, तो यहाँ हम समझ में आती है स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक होती है बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये भी आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसे मैं बोल सकता हूं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, ठीक है? ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब समझा देता हूं एक बार। बाय चांस एक पर्सन है मेरठ टू दिल्ली 50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ऐसे मान ले रहा हूं, ठीक है? यहां से यहां तक जाता है इन 3 आवर्स, चलिए 4 आवर्स,
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आजकल इस वजह से, इन 4 आवर्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, एवरेज स्पीड हुई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 50 किलोमीटर, टोटल टाइम 4 आवर्स, कितना आया 12.5 मीटर पर किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर, ये आया हमारा एवरेज स्पीड। ओके 12.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये तो तब होगी ना बेटा जब एक बंदा एक्सीलेटर पे पैर रख के ईंट रख के बैठ जाए कि भाई अब चाहे इंसान आवे, कुत्ता आवे, रेलवे स्टेशन आवे, फाटक आवे, बस आए, कुछ भी आए, मुझे इस स्पीड पे कंटिन्यूअसली चलना ही चलना है, तब मैं 4 घंटे में दिल्ली पहुंचूंगा। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एवरेज स्पीड, ठीक है, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड समझ में आ गई हमारे। उससे भी पहले मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूं आपको कि बाई चांस आपके पास में 1 किलोमीटर पर आवर्स है और आपको ये चाहिए मीटर पर सेकंड, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बेटा किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर में 1000 अपॉन आवर्स में 60 × 60 0000 कितना आया 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई प्रॉब्लम है इस बात में? अगर किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, आवर्स में कितने सेकेंड, 60 × 60 सेकेंड, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हुए, 10/36, 2 5 10 और 2 18 36, या 6 2 3 6 और 6 3 18, इस तरह से। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन ऐसा भी हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, तो मैं बात करता हूं आपसे हम बात कर रहे थे बेटा एवरेज स्पीड के बारे में, किस चीज के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। और एवरेज स्पीड के लिए हमने बताया क्या कि किस तरह से निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके यहां तक तो समझ में आया, मैंने आपसे कहा कि एवरेज स्पीड, ठीक है, तब पॉसिबल है जब आदमी स्पीडोमीटर पर कोई चीज़ रख के भूल ही जाए कि भाई कुछ भी आ रहा हो और अब हमें इसी स्पीड पर कंटिन्यूसली चलना ही चलना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्या आया होता ये है कि बाई चांस ये 50 किलोमीटर का सफ़र है और आफ्टर 1 आवर हम यहाँ पे हैं पोजीशन ए पर, और यहाँ से लेकर के मैं पोजीशन बी तक जाता हूँ इन 10 मिनट्स, इन 30 मिनट्स, ठीक है, ए से बी तक मैं जा रहा हूँ इन 30 मिनट। तो ए से बी तक की जो हमारी स्पीड हुई वो क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड होगी भैया वो, 30 मिनट्स, और मान लिया ये जो हमने डिस्टेंस कवर की इस समय 30 मिनट के अंदर वो मान लिया कितनी, कुछ भी ले लीजिए यार, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हमने, तो एवरेज स्पीड क्या हुई हमारी, एवरेज स्पीड हुई बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 30/60, 60 क्यों, मिनट्स था, आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर चाहिए ना, 3/2 कितना आया बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर्स, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही कहानी बच्चे हमारी कहानी किस में बनेगी, ये तो हुई स्पीड के बारे में बात, इसी तरह से हमारी वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी क्या होती है, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एग्जांपल सारे वही हैं, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। इस वेलोसिटी लिखते समय हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना होता है, और स्पीड लिखते समय हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, या अभी समझा देता हूं मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। इसे लिखते हैं बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सर ये तो वही बात है, अभी तो आपने एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखा था। हाँ लिखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, मैथमेटिकल रूल लगेगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समझाता हूं क्या है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या है इस बात का, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी कि जो टाइम है ये लगभग 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 जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि 0.00000000000000000000000000000 पता नहीं कितनी जीरो और वन, दस दस दस। ये टाइम अगर इतना छोटा हो जाए तो जो हमारी स्पीड निकलेगी वो निकलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस समय उस कार या बस या ट्रेन जो भी कुछ है या बाइक जो भी कुछ है उस चीज की स्पीड उस समय काउंट होगी जब टाइम इतना ज्यादा शॉर्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट, कितने भी जीरो लगाते रहो डजंट मैटर, पता नहीं इनफाइनाइट तक चले जाओ। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये जीरो की तरह टेंस हो रहा है, तब जो स्पीड आएगी वो आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी के बारे में भी वही है, अगर वेलोसिटी के बारे में बात करूं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहां डेल्टा एक्स के लिए वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर यूज कर लेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, इस समय ऊपर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मीनिंग ये होता है, या इसे हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, या इसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। dx upon dt ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के टर्म्स आप अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इतना आता है सभी को। जैसे कि d upon dx x की पावर n, इसका जो डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस वन, और बाय चांस d upon dx sin x का होता है cos x, है ना, ये सब चीजें हैं, या d upon dx cos x का माइनस sin x, इस तरह से ये छोटे मोटे मैथमेटिकल रूल्स हैं जो आपको यहाँ यूज करने होंगे। तो यहाँ आज मैं इस वीडियो का थोड़ा सा एंडिंग कर रहा हूँ, अभी हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे, इसकी ग्राफिंग करेंगे बेटा, और इसमें एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स वगैरह आएंगे, सारी चीज़ आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।